बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे यहाँ बन रहा है हरीरा। सूप की एक वैरायटी है, बहुत मज़े का होता है, ताकत वाला होता है। रमज़ान आ रहा है, उसमें बनाएं, खुद लें, घर वालों को दें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने एक कप जो मेयरमेंट्स के होते हैं वो लेके, चनों का मैंने रात को भिगो दिया था, आधा कप मैंने मसूर का लिया था, ये भी मैंने रात को भिगो दिए थे। यहाँ पे मेरे पास आधा किलो बीफ है, बोनलेस। आप मटन लेना चाहें तो मटन ले सकते हैं। इसके मैं मज़ीद छोटे क्यूब्स करूँगी ताकि अच्छे से गल जाए, इसको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। जो मसाले इसमें जाएंगे, एक टीस्पून हल्दी का है, एक टेबलस्पून नमक, नमक आप बाद में चेक कर सकते हैं, कम है तो और डाल सकते हैं, एक टेबलस्पून लेवल मैंने लिया है पेपरिका का, एक टेबलस्पून ही मेरे पास पिसी हुई सुरख मिर्च का है, एक टेबलस्पून हीप मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पे मेरे पास दो टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च है, हमने सूप को गाढ़ा करना है, मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो हम और उसमें डाल देंगे। लेमन पड़ा हुआ है मेरे पास, बाद में सूप के ऊपर अगर कोई स्क्वीज करके उसको लेना चाहे तो ले सकता है। एक लार्ज साइज का इसमें प्याज जाएगा, सैलरी की स्टिक है, आगे पीछे से मैंने थोड़ी सी काट दी है, ये जाएगी, बहुत भारी काट के डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें इसमें नहीं जाती हैं लेकिन मैं डालती हूँ, आप डालना चाहें डाल दें, ना डालना चाहें तो ना डालें। मेरे पास यहाँ पे डेढ़ किलो से ज़्यादा हैं ये टमाटर, इनकी मैं प्योरी बना के वो इसके अंदर डालूंगी। 6 से 7 टेबलस्पून इसमें ऑलिव ऑयल या वेजी ऑयल का जाएगा। यहाँ पे मेरे पास धनिया है, ये धनिया की गठी है, मीडियम साइज से भी छोटी है, ये मैं पूरी इसके अंदर काट के डालूंगी। यहाँ पे पार्सलें हैं मेरे पास, पार्सले जो हैं वो मैं 3 हिस्से करूंगी, एक हिस्सा इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे पार्सले की एक और वैरायटी है, ये मुझे किसी और चीज़ के लिए चाहिए थे, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये कर्ली पार्सले हैं, ये मैं नहीं डालूंगी, सिर्फ ये पार्सले और धनिया जो है वो इसके अंदर जाएगा। सारी चीज़ें बहुत बारीक काट के इसके अंदर डालेंगे। 2.5 लीटर मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, आप इसको कुकर में बनाना चाहें तो कुकर में बना सकते हैं लेकिन मैं इसको स्लो हीट के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूंगी, बहुत अच्छे से ये पक जाएगा। तो आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं, मैं फिर साथ साथ चीज़ें भी काट लेती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ। सॉस पैन के अंदर मैंने 6 टेबलस्पून लेवल जो है वो लेके ऑयल के डाले हैं, गर्म हो गया, मैं प्याज डालूंगी इसमें, प्याज थोड़े से फ्राई करूंगी, फिर साथ अदरक लहसुन सेलरी डाल के थोड़ा सा फ्राई करके गोश्त डालेंगे इसके अंदर। प्याज थोड़ा फ्राई होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया, अब मैं इसमें डाल दूंगी सेलरी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्का आटा इसको फ्राई करेंगे और फिर इसमें जो है वो बीफ डाल देंगे। बीफ आपको दिखा दूं, ये देखिए मैंने धो के इसको बहुत बारीक काट दिया है, बीफ मीडियम के ऊपर है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर इसमें चने और मसूर भी डाल देंगे, मसाले डाल के, पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। मैंने सब्ज़ मिर्चें काटनी शुरू की हुई हैं और साथ साथ वो भी काट रही हूँ, मिर्चें कट गई हैं, ये भी मैं डाल दूंगी अब इसके अंदर। गोश्त को मैं 1 से 2 मिनट और फ्राई करूंगी और उसके बाद इसमें चने और दाल डालते हैं। सब चने चले जाएंगे इसके अंदर, और मैं साबुत मसूर डाल दूंगी, अब सारे मसाले चले जाएंगे। पानी डाल देंगे,
डेढ़ लीटर पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं मीडियम हीट के ऊपर पकने दूंगी, थोड़ा गल जाएगा तो एक लीटर पानी इसमें और डालूंगी और साथ ही फिर मैं टमाटर जो मैंने रखे हुए हैं उनकी प्योरी बना के डाल दूंगी। होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको हल्की आग के ऊपर जो है वो पकने दूंगी, मीडियम टू लो कर दूंगी, मीडियम पे भी नहीं रखूंगी, मीडियम टू लो पे रखूंगी और इसको पकने दूंगी। हरीरा जो है वो बहुत अच्छे से पक रहा है, ये देखें चीजें मिक्स हो गई हैं। गोश्त भी मैंने बहुत छोटा छोटा करके इसके अंदर डाला था ताकि इसके अंदर ही हल हो जाए। अब मैंने टमाटो की प्योरी बना के रखी है, ये 1.5 किलो से थोड़े ज्यादा थे टमाटर। ये डाल दूंगी इसके अंदर, मिक्स करूंगी इसको अच्छे से। इसके अंदर मैंने पानी भी और डाला था, 1.5 लीटर मैंने पहले डाला था, 1 लीटर मैंने बाद में डाला था टमाटो की प्योरी डालने से पहले। मैंने धनिया और पार्सले रखे हुए हैं, पार्सले जो है वो साफ करने के बाद आधा कप हुए होंगे और धनिया जो है वो 1 कप है। साफ करने के बाद धोने के बाद काटा है इनको मैंने ना, तो इनकी क्वांटिटी इतनी है। अब इसको दोबारा वही मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पकने दूंगी मजीद। चीजें सारी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई हैं, गल गई हैं। 1.5 किलो टमाटर थे उनकी प्योरी बना के मैंने डाली है। दोबारा इसको अब मैं मीडियम टू लो हीट पे पकने के लिए छोड़ रही हूँ, बनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अब मैं थोड़ी देर जो है वो पकने दूंगी, एटलीस्ट 20-25 मिनट ये रहेगा और चूल्हे के ऊपर उसी हीट के ऊपर 2.4 के ऊपर, और उसके बाद जो है वो फिर उसको उतार के तो सर्व करेंगे, बनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सूप बहुत अच्छे से पक रहा है, टमाटो की प्योरी डाले हुए भी इसमें मुझे 45 मिनट्स हो गए। कुकर में अगर आप बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन मैं इसको चूल्हे पे बनाती हूँ, टाइम लगता है थोड़ा, 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये है कि इसका टेस्ट और कुकर में जो बनाते हैं उसका टेस्ट दोनों में फर्क होता है। अब मैं इसके अंदर जो है वो कॉर्न स्टार्च डालने लगी हूँ, मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, अगर और जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं और डाल दूंगी। कॉर्न स्टार्च डाल के इसको मिक्स करेंगे साथ साथ। हीट मैंने नीचे लो के ऊपर की हुई है, उसी पे उस वक्त से ये सिमर हो रहा है, आप ये कह सकते हैं, पक नहीं रहा। थोड़ी देर पकने देते हैं फिर देखते हैं, मज़ीद ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जितना कॉर्न स्टार्च जो है वो और डाल देंगे। अभी और डालना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है। मेरे पास जो चूल्हे में हीटिंग के पॉइंट्स हैं वो 10 तक हैं, इसको मैंने 2.5 पे रख के जो है वो पकाया है। कॉर्न स्टार्च इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून और डालूंगी, उससे ज्यादा नहीं। हरीरा रेडी हो चुका है, 1.5 टेबलस्पून मैं कॉर्न स्टार्च इसमें और डाल रही हूँ। मैंने इसको थोड़ा दानेदार रखा है, ऐसा ही अच्छा लगता है। इससे ज्यादा आपको थिक करना है तो फिर इसके अंदर आप 1 टेबलस्पून जितना जो है वो कॉर्न स्टार्च और डाल दें। इसे कॉर्न स्टार्च डालने के बाद मैंने 20 से 22 मिनट दोबारा जो है वो पकाया है उसी हल्की हीट के ऊपर 2.5 के ऊपर। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए, इसको सर्व करते हैं। हरीरा तैयार है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।